सिनेमा हमारी जिंदगी का एक पार्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारी जिंदगी में सुख दुख आते जाते हैं, सिनेमा भी उसी तरह शामिल हो गया है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें जो हम सीखते हैं, समझते हैं, वो सिनेमा उसका बहुत बड़ा माध्यम होता है। सिनेमा के प्रेमियों के लिए, चाहे वो इंडिया में किसी भी स्टेट से हो, किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करता हो, एक बहुत ही बड़ा प्राइड मूवमेंट आया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक मूवी की जिसका नाम है जल्लीकट्टू, जो एक मलयालम मूवी है और इसे नॉमिनेशन मिला है ऑस्कर के लिए, वो भी इंडिया की तरफ से। लेकिन जल्लीकट्टू को ही चुना गया तो क्या कुछ खास है इसमें, आइए समझते हैं और जानते हैं। मैं अनुभा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सिल्वर स्किन इंडियन में। चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना प्यार हमें ऐसे ही देना। किसी भी फिल्म के लिए, उसकी पूरी टीम के लिए, डायरेक्टर के लिए, सबके लिए ये बहुत बड़ा मूवमेंट होता है कि वो फिल्म जो है वो दिलों में जगह बना पाए अपनी ऑडियंस के लिए। और जल्लीकट्टू वो कमाल की मूवी है जिसने सबसे पहले अपने चाहने वालों के दिलों में एक खास जगह बनाई। इस समय इंडियन सिनेमा के चाहने वाले, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, उड़िया हो, बंगाली हो, मराठी हो या हिंदी, वो इस समय बहुत खुश हैं क्योंकि नॉमिनेशन मिला है जल्लीकट्टू को। जल्लीकट्टू फिल्म का 2019 सितंबर में पहला प्रीमियर किया गया था टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में और उसे बहुत सराहा गया था। 4 अक्टूबर 2019 को फिल्म को रिलीज किया गया केरल में और लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। 50th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी फिल्म ने एक खास जगह बनाई और फिल्म के डायरेक्टर लिजू जोस को एक ट्रॉफी दी गई जो कि बेस्ट डायरेक्टर के लिए थी। साथ ही साथ फिल्म ने बेस्ट साउंड और बेस्ट एडिटिंग के लिए भी अवार्ड जीते। फिल्म को 24th बुसान फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया जहां पर लोगों ने बहुत सराहा। ये फिल्म जो पहले ही शोर मचा चुकी थी, डंके बजा चुकी थी अपनी सफलता के, और इस बार जूरी मेंबर्स को भी पूरी तरह से चकित कर दिया। 27 फिल्म्स के साथ कॉम्पीट कर रही इस फिल्म ने इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया कि जूरी मेंबर्स ने इसे चुना ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए। परफेक्शन अगर सिनेमा के मामले में किसी चीज को कहते हैं तो इस फिल्म को देखना तो बनता है दोस्तों। ये एक ऐसी फिल्म है जिसकी बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट है, साथ में बहुत ही दमदार एक्टिंग है, बहुत ही बेहतरीन इसमें बीजीएम है, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी और जिस तरह से शूट किया गया है दोस्तों वो तो कमाल का है, बेहतरीन है। सबसे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए फिल्म के डायरेक्टर लिजू जोस की जिन्होंने कमाल का काम करके दिया है और भारत के लिए एक ऐसा क्षण आया है उनकी वजह से, उनकी फिल्म की वजह से, और ये फिल्म डिजर्व करती है कि इसे ऑस्कर जैसा अवार्ड मिलना चाहिए। फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ऑर्डिनरी है, लेकिन उसे बहुत ही बेहतरीन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है फिल्म के डायरेक्टर। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है दोस्तों कि केरल का एक ऐसा गांव जहां पर लोगों के जीवन शैली में शामिल हो चुका है मीट, वो आंख खोलते ही सबसे पहले पसंद करते हैं कि मीट को ले और मीट को खाए। इस तरह से एक दिन एक जानवर जो कि मीट के लिए लाया गया था काटने के लिए, एक दिन वह उस पकड़ से आजाद हो जाता है। जैसे ही वह भाग जाता है पूरा गांव दौड़ जाता है उस जानवर को पकड़ने के लिए। ये तो हुआ मेन प्लॉट, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सब प्लॉट्स डाले गए हैं, यानी किस तरह से उसे पकड़ा जाता है। दो गुट होते हैं, एक गुट वो है जिसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी एक इमेज डेवलप करना चाहता है गांव वालों के सामने, और एक गुट का मुखिया वो है जो कि गांव से एक शिकारी है जो कि गांव से निकाला जा चुका है, अब वो चाहता है कि इसी बहाने गांव में उसकी वापसी हो सके। जितने भी सब प्लॉट्स डाले गए हैं वो बहुत ही थॉटफुल है, बहुत ही बेहतरीन है, जो सोचने पर मजबूर करते हैं हर बार असली जानवर कौन, वो जानवर जो उस पकड़ से आजाद हुआ है, या वो सारे गांव वाले जो इस जानवर को पकड़ने के लिए अपने अंदर के जानवर को निकाल बैठे हैं। एक बेजुबान जानवर को पकड़ने के लिए पूरी सृष्टि का सबसे समझदार जो प्राणी है यानी इंसान, वो क्या कुछ नहीं करता है, ये देखना फिल्म में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिल्म एक फिल्म नहीं, एक शानदार एक्सपीरियंस है 1 आवर 31 मिनट्स का, जिसे भूलना लगभग नामुमकिन है। तो ऐसी फिल्म जो चारों तरफ से सुर्खियां बटोर चुकी है, लोगों के दिल में जगह बना चुकी है, वो डिजर्व करती है कि उसे ऑस्कर मिले। फिल्म का एक सीन इतना खास है दोस्तों जो मेरे दिल में जगह बना गया कि एक जगह मिट्टी पे जानवर और इंसान दोनों के पैरों के निशान पड़े हुए थे, जो एक बहुत बड़ा सवाल उठाते थे कि इन दोनों में से असली जानवर कौन है। फिल्म बहुत खास है, आपने अभी तक अगर इसे नहीं देखा है तो जाकर प्लीज देखिए, बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। इसे आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश सबटाइटल के साथ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो नए कंटेंट में, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, थैंक यू।